मम्मी मैं बैडमिंटन खेलने जा रही हूँ। क्या पूजा और नेहा मम्मी पार्क में मेरा वेट कर रही होंगी ना, मैं जा रही हूँ। रुको प्रेरणा, मैं देख रही हूँ आजकल तुम्हारा ध्यान खेलने और सहेलियों की तरफ ज्यादा है, पढ़ाई की तरफ तुम बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही हो। पढ़ती तो हूँ मम्मी, सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक स्कूल में पढ़ती तो रहती हूँ, और कितना पढ़ूँ। घर के लिए भी तो काम मिलता है स्कूल से, उसे तो पूरा करते कभी देखती नहीं मैं तुम्हें। उसकी फिक्र आप क्यों कर रही हो मम्मी, पास होने ना, पास तो मैं हो जाऊंगी। बात पास होने की नहीं होती प्रेरणा, बात होती है अच्छी परसेंटेज के साथ पास होकर मेरिट में आने की, तब कहीं जाकर अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलता है। ओफ ओ मम्मी, आप हमेशा अपनी मर्जी ना मेरे ऊपर थोपते रहते हो। अरे कभी ये भी पूछ लिया करो कि मुझे क्या बनना है। अच्छा बताओ, चलो आज ये भी पूछ लेती हूँ, क्या बनना चाहती हो तुम? मुझे तो बैडमिंटन प्लेयर बनना है, एकदम साइना नेहवाल की तरह। मैं ना अपनी पूरी दुनिया में अपना और अपने देश का नाम रोशन करना चाहती हूँ। क्या बात है, तुम साइना नेहवाल की तरह बैडमिंटन प्लेयर बनना चाहती हो, तुम्हारा भाई गगन अंबानी की तरह बिजनेसमैन। अरे अपने पापा की हालत देखी है तुम दोनों ने, एक मामूली से क्लर्क हैं वो, जितनी तनख्वाह उन्हें मिलती है उसमें घर का खर्चा और तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा चलता है। तो मैं क्या करूँ, वो सोचना आपका और पापा का काम है। अगर हम भी अपने अच्छे भविष्य के बारे में नहीं सोचेंगे तो आगे चलकर आप दोनों जैसे ही हो जाएंगे, हम दोनों भी। प्रेरणा, बहुत जुबान चलने लगी तुम्हारी। मैं जा रही हूँ। पानी पियेंगे क्या? पानी भी अब पूछ कर पिलाओगे क्या? देख नहीं रही कितनी गर्मी पड़ रही है, चिल्लाती है, प्यास के मारे गला सूखा जा रहा है। पानी पियोगे क्या? दिमाग खराब करके रखा है सबने मेरा, ऊपर से ऊपर वाले ने औलाद भी ऐसी दी है कि बिल्कुल निकम्मी। लीजिए। क्या हुआ? क्या हुआ? अरे तुम्हें नजर नहीं आता क्या हुआ? ये अखबार पढ़ा है सुबह से, यहाँ किसी को इतनी फुर्सत नहीं मिली कि इसको उठाकर अपनी जगह पे रख दे। अरे मैं पढ़ रही थी। अरे पीएचडी करनी है तुम्हें? आराम से बात करिए ना, आते बोलना शुरू हो जाते हैं। अरे गगन के लिए नौकरी तलाश कर रही थी अखबार में। नौकरी तलाश कर रही थी? अरे वो निकम्मा, वो हमारा नौकरी करेगा? अरे गली के नुक्कड़ पर हमारा दोस्तों के साथ 24 घंटे हमारा गर्दी करता है, वो नौकरी करेगा? हाय राम, ये क्या कह रहे हैं आप? बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। अरे मैंने अपनी आंखों से देखा है, हर वक्त गली के कोने पर अपने हमारा दोस्तों के साथ खड़ा रहता है, और तुम सारा दिन घर पर रहती हो, तुम्हें नजर नहीं आता। अब शांत भी हो जाइए, गुस्से में आपकी तबीयत बिगड़ जाती है। क्या फर्क पड़ता है तुम लोगों को, अगर मेरी तबीयत खराब होती है क्या फर्क पड़ेगा? ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? उसे बिठाकर प्यार से समझाओ, समझ जाएगा। समझाया है, अरे लाख दफा समझाया मैंने उसको, लेकिन नहीं। अरे उसके दिमाग में तो है कि बस मुझे बिजनेस करना है। मैंने समझाया कि तेरे बाप की इतनी औकात नहीं है कि वो बिजनेस करा सके, अरे नौकरी कर ले, लेकिन नहीं। अरे उसे तो अंबानी बनना है, वो तो सोचता है उसके बाप दादा करोड़ों की जायदाद छोड़ गए, अंबानी बनेगा अंबानी। तो क्या सपने देखना भी छोड़ दूं? आपकी तरह नौकरी करता रहूं, क्लर्क बना रहा हूं जिंदगी भर? अरे ये लो, ये आ गए तुम्हारे कर्णधार, अरे नौनिहाल इस परिवार के। अरे भाई, अरे बैठी क्या हो, पूजा की थाली लाओ, आरती उतारो अपने इस कर्णधार की, करोड़ों की कमाई जो करके लाया भाई, वाह क्या बात है। उड़ा लो जितना मजाक उड़ाना है, लेकिन लेकिन मेरी बात मत भूलना पापा, जो इंसान सपने नहीं देखता वो कभी बड़ा इंसान नहीं बनता, एक एक कुएं का मेढक बनकर जिंदगी जीता है वो। क्या क्या कहा तुमने, क्या कहा तुमने? सुना? अरे सुना तुमने, सुना तुमने? इसने मुझे कुएं का मेंढक कहा। अरे मैं कुएं का मेंढक हूँ, मैं कुएं का मेंढक हूँ। क्या कह रहा गगन तू, ये कैसे बात कर रहा अपने पापा से? मम्मी कुएं के मेंढक से मेरा वो मतलब नहीं था। क्या मतलब है तेरा? मम्मी ये कहावत है, एक संकुचित सोच रखने वाले इंसान की कहावत, जो संकुचित दायरे में रहकर ही जिंदगी को जीता है उसे ही अपनी दुनिया समझता है, उसे बाहर निकलने की कोशिश ही नहीं करता। तो तू क्या चाहता है हा? अरे सारी कमाई मैं तुझ पर लुटा दूं? अरे 25 साल से जो मैंने प्रोविडेंट फंड इकट्ठा किया है तुझे दे दूं, ताकि तू अपने दोस्तों के साथ में गुच्छे उड़ा सके? ओफो, चुप भी हो जाओ तुम दोनों, क्यों बहस करने लगे? तुम चुप करो, आज ये डिसाइड हो जाना चाहिए कि आखिर ये चाहता क्या है। सिर्फ 50,000 रुपए दे दो मुझे, मैं आपसे कोई जिंदगी भर की कमाई नहीं मांग रहा हूँ। आखिर तू करेगा क्या बेटा, तुझे तो अभी कुछ आता भी नहीं है। हाँ हाँ, पूछो इससे, 50,000 रुपए दे दूँ इसको, ताकि अपने आवारा दोस्तों के साथ गुलछर्रे उड़ा सके। पापा बार बार मेरे जिन दोस्तों को आवारा कह रहे हैं ना, उनके माँ बाप भी आप दोनों जैसे ही हैं,
कोई हम पर विश्वास ही नहीं करता। और पापा, हम गली के नुक्कड़ पर गुलछर्रे उड़ाने के लिए खड़े नहीं होते, हम वहां अपने आगे आने वाले भविष्य के बारे में बातें करते हैं। हम सभी दोस्त अपने पैरों पर खड़े होना चाहते हैं पापा, ताकि अपनी कमाई से अपने मां बाप के वो सारे सुख उन्हें लौटा दें जो उन्होंने जिंदगी भर कमा कमा कर हमारी पढ़ाई लिखाई और परवरिश पर खर्च कर दिया है। लेकिन आप लोग हैं कि हमारी भावनाओं को समझ ही नहीं रहे, कोई हम पर विश्वास ही नहीं कर रहा, हम क्या करें? आखिर हम करें भी तो क्या करें? हेलो एवरीवन। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते, कैसे भाभी जी? बस ठीक है। और अश्वनी, क्या हाल चाल? बस ठीक है यार। यार दो दिन हो गए, मैंने तो को देखा नहीं पार्क में। क्या बात, आना छोड़ दिया क्या? बस तो तबीयत खराब थी ना, बस इसलिए घर से बाहर ही नहीं निकला। कैसे हो बेटा गगन? मैं अच्छा अंकल, आप बताइए। वेरी गुड बेटा। बेटा मैं अभी अंदर आ रहा था तो मैंने तुम्हें सुना, बहुत अच्छे विचार हैं तुम्हारे। आजकल ऐसे लायक बेटे मिलते कहाँ हैं जो अपने माँ बाप के बारे में इतनी अच्छी सोच रखते हो। अरे पता भी है इसके दिमाग में क्या चल रहा है? अरे यार अश्वनी, नहीं पता तो मैं पता करना चाहता हूँ ना कि ऐसा क्या है जो इसके दिमाग में चल रहा है जिसके चलते ये इतना भावुक हो गया। और तुम्हें भी मैं बहुत गुस्से में देख रहा हूँ अश्वनी। अरे जब बच्चे अपने माँ बाप की नहीं सुनेंगे तो गुस्सा नहीं आएगा क्या? अरे यार गुस्सा आने की वजह ये थोड़ी है कि तू बिना वजह उस बेचारे पे चिल्लाने लग जाएगा। ये क्या बताएंगे भाई साहब, मैं बताती हूँ। दरअसल गगन अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहता है और इनसे 50,000 रुपए मांग रहा है, ये देने को तैयार नहीं है। बस इसी बात को लेके दोनों में रोज की बहस चल रही है। अच्छा, तो ये कारण है तुम दोनों के बीच में तनाव का? तनाव तो होगा ही अंकल, जब एक पिता ही अपने बेटे को गलत समझने लगे तो तनाव नहीं होगा तो और क्या होगा? तुम्हें नहीं बेटा गगन, आजकल बेरोजगारी के चलते तुम्हारे जैसे नौजवान मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। तुम्हारा मतलब क्या है इस तनाव से? देख अश्वनी, आजकल हमारे देश के युवा कुछ करना चाहते हैं, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, बेचारे बेरोजगार हैं लेकिन ना उनके पास कोई सहारा है ना उनके पास कोई मदद, वो करें तो क्या करें? गगन जैसे नौजवान आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं लेकिन उसके लिए ना तो उनके पास कोई सपोर्ट है ना ही कोई साधन, वो करें तो क्या करें? अरे भाई पैर भी तो होते पसारने चाहिए ना जितनी चादर हो, अब झोपड़े में रह करके महलों के ख्वाब देखेंगे तो क्या कहोगे तुम उसको? अरे अश्वनी, मैं तो ये कहूंगा कि कामयाबी की तरफ बढ़ता हुआ पहला कदम उठ गए कदम। देखो अश्वनी, इंसान जब ख्वाब ही नहीं देखेगा तो उसे कैसे पता चलेगा कि उसकी सोच एक कुएं तक ही सीमित नहीं है, उसके बाहर भी बहुत बड़ी दुनिया है। कहना क्या चाहते हो, मैं कुछ समझा नहीं। अरे मेरा मतलब तुमसे नहीं है अश्वनी, मेरा मतलब है आजकल के नौजवानों से, उनकी बढ़ती हुई सोच से। अरे तुम्हें मालूम है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी क्या कहते हैं? अरे तो तुम ही बता दो क्या कहते हैं मोदी जी। अश्वनी, मोदी जी कहते हैं कि सपने देखना अच्छी बात है लेकिन उन सपनों को पूरा करने की कोशिश करना और भी अच्छी बात है। लेकिन भाई साहब, जिन सपनों के पूरा होने की उम्मीद ही ना हो उनके लिए कोशिश करना कहाँ की अच्छी बात है? भाभी जी, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे नौजवानों के सपनों को पूरा करने के रास्ते खोल दें, आर्थिक मदद के साथ साथ उन जवानों में जोश भी भर दें, तो क्या हमारे देश का नौजवान सपने देखना छोड़ देगा? अंकल, ऐसा क्या किया है मोदी जी ने, आप मुझे बताइए। मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं अपने हर सपने को पूरा करना चाहता हूँ। बेटा तुम ही नहीं, हमारे देश का हर एक नौजवान आगे बढ़ना चाहता है और अपने सपनों को पूरा करना चाहता है, उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने सबके लिए कुछ ना कुछ कर रखा है। पर मेरे लिए क्या कर रहे हैं? मुझ जैसे उन तमाम नौजवानों के लिए क्या कर रहे हैं जो अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं लेकिन पैसा नहीं है? फिक्र क्यों करते हो गगन बेटा, प्रधानमंत्री जी ने तुम्हारे जैसे नौजवानों के लिए एक योजना शुरू की है। कैसी योजना? प्रधानमंत्री मुद्रा कार्ड योजना। अंकल क्या है इस योजना में? मुद्रा कार्ड एक तरीके का क्रेडिट कार्ड है जो आपको बैंक के द्वारा दिया जाता है और यह सिर्फ उसी को दिया जाता है जिसके नाम से कारोबार है। उस लोन को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। वो 3 श्रेणियां हैं कौन कौन सी? वैसा एक है शिशु योजना, एक है किशोर योजना और तीसरी है तरुण योजना। अरे वही शिशु योजना, बच्चों के पालन पोषण के लिए होगी। और वो किशोर योजना
अरे बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए होगी और क्या। अरे नहीं भाई साहब, भाभी जी आप भी क्या बच्चों वाली बातें करते हैं। शिशु योजना का मतलब है कि जो काम अभी नया नया स्टार्ट हुआ हो, और किशोर योजना में वो काम आते हैं जो अभी चल रहे हैं, और तरुण योजना उसमें वो काम आते हैं जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड हैं, यानी कि जमे जमाए काम। ये तो जिनके काम जमे जमाए हैं, ऑलरेडी चल रहे हैं, फिर उन्हें लोन की क्या जरूरत। अरे यही तो हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है, वो चाहते हैं कि पैसों की वजह से किसी का काम नहीं रुकना चाहिए, हमारे देश का कारोबार आगे बढ़ेगा तभी तो देश भी आगे बढ़ेगा ना। लोन मिलेगा कितना वो तो बताइए। बेटा शिशु योजना के तहत तुम्हें 50,000 रुपए तक का लोन मिल सकता है। 50,000 तक? हाँ बेटा। अरे इतना ही तो मुझे चाहिए था, उसके बाद तो मैं खुद अपनी मेहनत से आगे बढ़ जाऊंगा। अरे इतना ही नहीं बेटा, जब तुम्हारा काम चल उठेगा ना तो तुम शिशु योजना के अंतर्गत किशोर योजना में भी ट्रांसफर होकर के 5,00,000 रुपए तक का लोन ले सकते हो। 5,00,000 तक? हाँ बेटा। अरे फिर तो मैं अपनी बहन प्रेरणा को बैडमिंटन प्रैक्टिस के लिए स्टेडियम में दाखिला दिला दूंगा। अरे तू चुप कर। अरे भाई साहब ये बताइए कि जमे जमाए कारोबार पर कितना लोन है। हाँ भाभी जी, तरुण योजना के अंतर्गत अगर आपका काम जमा जमाया है तो आपको 5,00,000 से 10,00,000 रुपए तक का लोन मिल सकता है। हाँ 10,00,000? फिर तो मेरी बेटी प्रेरणा साइना नेहवाल बनी जी। चुप कर शेखी लेखी माँ। अरे ये तो पूछने दे कि ये लोन आखिर मिलेगा कैसे। हाँ भाई साहब। गगन बेटा सबसे पहले तुम्हें ये तैयार करना पड़ेगा कि तुम काम क्या करना चाहते हो, ठीक है। उसके बाद मार्केट में जा करके तुम मार्केट का सर्वे करोगे, तुम देखोगे कि तुम्हें सामान कहाँ से बेचना है, कहाँ से खरीदना है। उसके बाद बेटा आप जा करके बैंक अधिकारी से मिलो, एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करो। जब आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बैंक में डिपॉजिट कर देंगे और आपका लोन सैंक्शन हो जाएगा तो आपको मुद्रा कार्ड दे दिया जाएगा। अरे यार तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे उसके लिए कोई बैंक गारंटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे अश्वनी यही तो हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है, प्रधानमंत्री जी ने इस योजना के तहत आने वाले गारंटर को भी हटा दिया है, इस लोन के लिए किसी गारंटर की जरूरत नहीं है आपको। अरे गगन, अरे क्या तू गली के किनारे खड़ा खड़ा टाइम खराब करता है, क्या तू भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर। और सुन 50,000 रुपए मुझसे भी ले लियो। थैंक यू डैड, थैंक यू सो मच। मगर अश्वनी एक गारंटी तो देनी पड़ेगी। क्या हो गया? अरे यार तुम्हें इतनी अच्छी योजना के बारे में समझाया, एक कप चाय तो बनती है ना। ओसो भाई साहब आप भी ना, क्यों नहीं अभी लेकर आती हूँ। जी हाँ, प्रधानमंत्री मुद्रा कार्ड योजना देश के हर युवा और श्रमशील व्यक्ति को व्यवसाय के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। इस कदम से व्यक्ति विशेष तो संपन्न होगा ही, साथ ही देश भी तरक्की की ओर बढ़ेगा। इसलिए ग्रामीण हो या शहर के लोग इस योजना का लाभ उठाएं और अपने साथ साथ देश को भी प्रगति के शिखर पर ले जाएं।